हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका शोर सक्सेस अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। और वर्णमाला के मैं आपको दो लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वर्ण विचार क्या होते हैं, वर्णमाला कितने प्रकार की होती है, और दूसरे वीडियो में बताया था कि स्वर कितने होते हैं, स्वर के क्या क्या प्रकार होते हैं, और स्वर के क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछे गए वो हमने डिस्कस किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्यंजन। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्णमाला, इससे एक क्वेश्चन कम से कम आएगा ही। तो जिन लोगों की संविदा वर्ग 1, 2, 3 एवं SSC GD की एग्ज़ाम है वो ज़रूर इसको देखें। और आप हमारे पुराने वीडियोज़ जो कि गणित के हैं और पुराने दो वीडियो जो कि हिंदी के हैं वो देखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन और पुराने सारे वीडियो आसानी से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है व्यंजन। अब व्यंजन होता क्या है, व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? दोस्तों, परिभाषा पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन की परिभाषा होगी वर्णों का स्वरों के साथ प्रयोग, व्यंजन कहलाता है। और आपको स्वर की परिभाषा बताई थी मैंने कि वर्णों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? स्वर। लेकिन वर्णों का स्वरों के साथ प्रयोग क्या कहलाता है? व्यंजन। जैसे आपने बोला क, क्या बोला? क। अब क एक व्यंजन है, तो क में क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ, क में अ। और अ क्या है? स्वर है। तो क बराबर क प्लस अ, मतलब क्या हो गया? व्यंजन। तो इसकी परिभाषा होगी वर्णों का स्वरों के साथ प्रयोग व्यंजन कहलाता है। चलिए दोस्तों, परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के आपके व्यंजन होंगे। तो व्यंजन के प्रकार कितने? तो व्यंजन के देखिए दोस्तों 8 प्रकार है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन इसका एक नाम है, उष्म व्यंजन जो बोलने में थोड़ी सी उष्मा पैदा करते हैं, अनुनासिक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन या एक नाम है इसका प्रकंपी व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और अर्धस्वर व्यंजन। चलिए दोस्तों वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के दोस्तों कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। मतलब ये जो टेबल मैंने आपको बना रखी है ये कौन सी है? स्पर्श व्यंजन की टेबल है। इसमें आपके वर्ग होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसको याद किया जाता है क च ट त प। क्या बोलते हैं? क च ट त प। आपने बचपन में सीखा होगा दोस्तों, याद भी होगा आपको, क ख ग ग ड च छ ज ज ण अण बोलते च छ ज ज ण च छ ड ड ण ट थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है दोस्तों, इन्हें याद कैसे करना है देखिए। अगर आप देखेंगे तो ये घ और ड है, इसको आप याद रख सकते हैं घड़ा, कैसे? घड़े से। फिर देखिए ज झ, इसको याद रख सकते हैं आप जहाज, जहाज, जहाज से याद कर सकते हैं इसको। ठ ड, इसको याद कर सकते हैं ठंड, इसको याद कर सकते हैं ठंड। उसके बाद धन, इसको याद कर सकते हैं धन से। ठीक बता रहा हूँ उसको याद करने की, धन, ठीक है, ठंड, ठंड, ठीक है। उसके बाद जहाज, क्लियर है। और उसके बाद ब भ म, ऐसे याद कर सकते हैं बम, बम से, ब म, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो टोटल स्पर्श व्यंजन कितने वर्ग होते हैं? 5। और एक में कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। एक में 5 है तो 5 और 5 25। मतलब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, क्या उत्तर आएगा? 25। तो आपको देख लीजिए इस प्रकार से लिखा, आप ध्यान रखना ये ड और ये ड अलग अलग है, इसमें यहाँ पे बिंदु है और इसमें यहाँ पे बिंदु है, क्लियर है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 4। कौन कौन से? ज, झ, छ, न। ज, झ, छ, न कितने होते हैं? एग्जाम में पूछा जाएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है। ज, झ, छ, न याद कैसे करें? देखो ज, झ, जज होता है ना अपना, कौन सा जज? जो न्यायपालिका में बैठता है, न्याय करता है, लोगों के मुकदमे की सुनवाई वगैरह करता है। तो जज छन, छन मतलब हम चाय छानते हैं कि नहीं, तो जज को छन के हमको लेना है। मतलब कोई अगर बेईमान व्यक्ति जज बन गया
कोई व्यक्ति बेईमान अगर जज बन गया तो सब सब गलत डिसीजन देगा वो, ठीक है। जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय नहीं मिलेगा, जिसको सजा मिलना चाहिए उसको सजा से माफ कर देगा। तो जज छान, जज को लेना है कैसे, छानते हुए लेना है, जैसे चाय चाय की बत्ती में ऊपर रह जाती है चाय नीचे निकल जाती है, उस प्रकार से जज छान, ठीक है। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन कौन से होंगे दोस्तों, इसका एक नाम है उष्म व्यंजन। ये कौन कौन से होंगे देखो दोस्तों, यहाँ लिख रहा हूँ संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, ठीक है। तो एक तो होगा श शक्कर का, एक श सरोते का, एक श शक्कर का, ठीक है, ये चार तो हो गए। इसके बाद एक ग होता है, एक म होता है, एक ख होता है ना, ये ग म ख व, एक ज होता है उर्दू का और एक फ होता है। दोस्तों लुसेंट किताब में आपको चार ही मिलेंगे, श स स ह, मैंने कितने बताया आपको, छह होते हैं जानी, श स श ह ग म ख व ज फ। याद करने की ट्रिक क्या है, तीन तो श हो गए, तीनों ही श होते, श शक्कर का, श सरोदय का, श शक्कुन का, एक ये गम बन गया आपका, गम दुखी होता है आदमी, ठीक। खब मतलब खब बनी, खब मतलब गम को खा जाना, और जफ गम खब जफ। इस प्रकार से इसकी संख्या कितनी होगी, या आपने लिख दिया चार, इसकी संख्या कितनी होगी दस। अब अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन कितने होते हैं देखना है। अनुनासिक व्यंजन देखो दोस्तों इस टेबल को, एक दो तीन चार पाँच, कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, मतलब इस टेबल की सबसे आखिर वाली लाइन, ठीक है। क्या लिखेंगे, न म न म अण, ठीक है, अण्य न म अण अण्य, और क्या आएगा अण, ठीक है, न म अण अण्य, ये कितने हो गए पाँच हो गए। और एक होता है दोस्तों अनुस्वार, क्या होता है अनु अनुस्वार, अनुस्वार किसको बोलते हैं, दो बिंदुओं को अनुस्वार बोलते हैं, क्लियर है दोस्तों। अनुनासिक व्यंजन कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच और छः, इनकी संख्या कितनी होगी छः, क्लियर है। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन किसको बोलते हैं दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन की संख्या कितनी है, सिर्फ एक है, पार्श्विक व्यंजन की संख्या कितनी है सिर्फ एक, वो क्या है ल, ठीक है। लुंठित और प्रकम्पित व्यंजन की संख्या कितनी है, एक है, कौन सा है र, र को क्या बोलेंगे लुंठित या प्रकम्पित व्यंजन। एक पार्श्विक व्यंजन है, एक लुंठित या प्रकम्पित व्यंजन है। उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा होगा दोस्तों, एक तो ड होगा और एक ढ होगा, एक तो ड होगा और एक ढ होगा, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं दोस्तों, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ठीक है, ड और ढ। उसके बाद अर्धस्वर व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, दो, एक तो होते हैं यह और एक होता है वह, क्लियर है। इस प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण है, देखो व्यंजन के दो वर्गीकरण है, एक तो सामान्य वर्गीकरण है और एक उच्चारण के स्थान पे। तो ये जो वर्गीकरण मैंने बताया ना आपको, ये सामान्य वर्गीकरण बताया जिसमें आपके आठ प्रकार होते हैं, ये टेबल के माध्यम से बताया, वर्गीकरण कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी 25, स्पर्श संघर्ष व्यंजन कितने, जज छन 4, संघर्ष व्यंजन कितने, इसको उष्म व्यंजन बोलते हैं 10, कौन कौन से हैं जल्दी से देखिए, छ स श ह ग म ख व ज फ, ठीक है। उसके बाद देखिए पार्श्विक व्यंजन है ल, लुंठित व्यंजन है र, उच्चिप्त व्यंजन है ड ढ, अर्धस्वर व्यंजन है यव। एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा, एग्जाम में सिंपल प्रश्न पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा उच्चिप्त व्यंजन है, कौन सा अनुनासिक व्यंजन है, कौन सा अर्धस्वर व्यंजन है, आपको इनका नाम याद रखना है, परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाती। चलिए अगला प्रकार देखते हैं कि व्यंजन का प्रकार जो है अनुवाद या उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और वर्गीकरण देखते हैं व्यंजन का प्रकार उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर जब हम बोलते हैं तो हम व्यंजन को किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। देखिए अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष, और यह देखिए ओष्ठ दंत मूर्धा तालु कंठ। सबसे पहले समझिए ये होता क्या है, उसके बाद इसको मैं बताता हूँ। ओष्ठ बोलते हैं होठ को, क्या बोलते हैं होठ को। अब हमारे मुंह की शुरुआत करें, क्योंकि हम जो भी अक्षर बोलेंगे मुंह से बोलेंगे, तो ये सब जो सामने देख रहे हैं होठ है, होठ क्या है ओष्ठ है, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं होठ, होठ या ओष्ठ, ठीक है। होठ के जैसे अंदर क्या है, होठ खत्म हो क्या आएगा दांत, दंत। तो ये ओष्ठ से बोलने वाले ये जो दिख रहे ना प फ ब भ म, ये टेबल बता चुका हूँ मैं आपको, ये क्या है ओष्ठ से बोलने वाले वर्ण है, ठीक है। दंत, ये दंत से त थ द ध न, ये दांतों का यूज होगा, ये क्या है मूर्धा। मूर्धा का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ये हमारा मुंह है, ये मुंह है, अब मुंह में ये शुरू में होठ होते हैं फिर दांत होते हैं,
और उसके अंदर जो आगे वाला ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, मुंह का आगे वाला ऊपर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं मुर्दा। मतलब क्या बोलेंगे, मुंह के अंदर का ऊपर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, ये क्या हो गया मुर्दा। और तालू क्या बोलेंगे, तालू मतलब पीछे का हिस्सा, ये मुंह आपका, ये दांत है, ये होंठ है, ये मुर्दा पीछे का हिस्सा जो होता है गले के बिल्कुल यहाँ होता है, उसको क्या बोलते हैं तालू। क्या बोलेंगे, मुंह के अंदर का पीछे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, क्लियर है। और कंठ आपका होता है गला, ठीक है। तो ये कंठ से बोलने वाला अक्षर कौन से, क ख ग घ ण, तालू से च छ ज झ ण, मुर्दा से ट ठ ड ढ ण, दांत से ट ठ द ध न, ओष्ट से प फ ब भ म। तो दोस्तों किस प्रकार से प्रश्न आ जाएगा, निम्न में से कौन से दंत वाले जो है वर्ण है, दंत वाले व्यंजन है, तो आपको दो ये दे देगा, तीन ये दे देगा, एक ये दे देगा, या नहीं में पूछ सकता है। तो यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। अब ये क्या है, अघोष अघोष अघोष, देखो यहाँ देखिए उच्चारण के आधार पर यह लिखा है अल्प प्राण। प्राण का मतलब होता है वायु, हवा। किसी व्यंजन को बोलते समय वायु का मुंह से निकलना, वायु का मुंह से निकलना क्या कहलाता है, प्राण। तो ये क्या है, अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब क्या होगा, किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय यदि मुंह से कम हवा निकले, मुंह से कम वायु निकले, तो उसको बोलेंगे अल्प प्राण, ठीक है। तो क्या होगा इसका, कम हवा का मुंह से निकलना, ठीक है, क्लियर है। महाप्राण में क्या होगा, प्राण मतलब वायु निकलना। तो व्यंजन का उच्चारण करते समय यदि मुंह से अधिक वायु निकले तो उसको क्या बोलेंगे, महाप्राण बोलेंगे, ठीक है। तो महाप्राण की परिभाषा होगी। अघोष, घोष का मतलब होता है कंपन। अगर कोई व्यंजन ऐसे हैं जो कंपन के साथ निकल रहे हैं, ठीक है, या कंपन के बिना निकल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, अघोष और सघोष बोलेंगे, ठीक है। तो अघोष का मतलब क्या होगा, बिना कंपन के, बिना कंपन के उच्चारण निकलना, किसी व्यंजन का उच्चारण बिना कंपन के निकलना, वो क्या होगा, अघोष। और सघोष मतलब सघोष या घोष भी हो सकता है, सघोष और घोष एक ही है। सघोष मतलब कंपन के, कंपन के साथ, कंपन के साथ जो है व्यंजन का मुंह से निकलना, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, सघोष। तो देखिए कैसे याद रखना आपको दोस्तों, ये इतने सारे हैं, इसमें कौन से अघोष है कौन से सघोष है, तो देखिए एक तो शुरू के दो क्या है, अघोष है, मतलब ये पूरे क्या है, अगर क और ख के बारे में बात करूँ तो कंठ वाले भी हैं और अघोष भी है। तालू वाले दो च छ क्या है, तालू से बोले जाने वाले हैं और अघोष है। मुर्दा जो है ट ठ जो है, ये अघोष भी और मुर्दा वाले है। ये ट ठ क्या है, दंत भी है और अघोष है। और प फ क्या है, ओष्ठ है, ठीक है, ओष्ठ से बोलने वाले शब्द है। अब ये अघोष होगा कि सघोष सघोष सघोष, तीनों क्या है, सघोष वाले मतलब कंपन वाले, ग ग ड कंपन हो रहा है, ये तीनों सघोष है, कंठ वाले हैं, सघोष है, तालू वाले हैं, सघोष है, मुर्दा वाले हैं, सघोष है, दंत वाले हैं, सघोष और ओष्ठ वाले हैं, क्लियर है। दोस्तों एक चीज होती है नासिक की, नासिक की व्यंजन ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो आपको दिख रहा है सबसे आखिर वाला कॉलम, ये नासिक की भी है, मतलब नाक से बोलने वाले व्यंजन जिनको मतलब न, नाक से बोला जाएगा म, अण, अड, ये क्या नासिक की व्यंजन है, क्लियर है। नासिक की भी है, ये सघोष भी है, ये अल्पप्राण भी है, यही कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ भी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा दोस्तों, कैसे भी पूछा जाए एग्जाम में प्रश्न अगर उच्चारण के आधार पर आ रहा है तो थोड़ा सा समय लगेगा आपको, इस टेबल को बना लो और टेबल बनाने के बाद देख लो जो प्रश्न पूछा है वो तो किस कैटेगरी में आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये दो प्रकार जो बताए हैं इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक जरूर पहुँचाइए जिन लोगों की इसकी ज़रूरत है। आने वाले समय में हम अगले नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।